ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। बस्सी पठाना एनकाउंटर मामले दे विच टेर हुए गैंगस्टरां दे परिवारक मैंबर आए सामने। परिवार दे वल्लों पुलिस अते साबका विधायक ते इल्जाम कि साडे बच्चियां ते कीते गए ने नाजायज़ परचे। साबका मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने ते लगे इल्जामां नूं नकारिया, कहा विरोधियों दे वल्लों हाकम धिर नूं बदनाम करन दीआं कीतीआं जा रहीआं ने कोशिशां। तां बीते दिनी सरारी दी भ्रिष्टाचारी दी कथित ऑडियो होई सी वायरल। जलंधर दीआं मंडियां दे विच खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल दे वल्लों विकास कारजां दी शुरुआत। 126 करोड़ दी लागत दे नाल बणनगीआं मंडियां, कहा दुआबे नूं बनावांगे सब तों खूबसूरत खेतर। श्रोमणी कमेटी दे प्रधान हरजिंदर सिंह तामी ने मुड़ घेरी केंद्र सरकार। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लै के लाए वड्डे इल्जाम, कहा 2014 दे विच वी रिहाई दे लई पाई सी पटीशन, मामले तों भजदी नज़र आ रही है सरकार। सत श्री अकाल, पंजाब न्यूज़ बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाड़े नाल मनप्रीत सिंह काठपाल। इस बुलेटिन का आगाज़ करांगे एक अहम खबर के नाल। भ्रिष्टाचार मामले के विच विजिलेंस ने एक वड्डी कार्रवाई की है। उन रमेश गर्ग तो बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन नूं भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस तो बाद हुण आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने ते आ गई है ते विरोधियों के वल्लों पंजाब सरकार के उत्ते निशाने साधे जा रहे हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटपता खिलाफ वड्डी कार्रवाई करदिया होया गिरफ्तार कर लिया। कोटपता बठिंडा देहाती तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने विजिलेंस की टीम ने तड़के करनाल तो आप विधायक नू गिरफ्तार किया। काबिले गौर है कि कुछ दिन पहला उसका कथित प्राइवेट पीए करीबी रशम गर्ग बठिंडा दे विच 4 लाख रुपए की रिश्वत लेंदे विजिलेंस ब्यूरो दे वल्लों रंगे हाथी गिरफ्तार किया गया। आप विधायक की गिरफ्तारी तो बाद हुण विरोधी धिरां दे वल्लों मान सरकार ते निशाने साधे गए ते नाल ही कहा कि जेकर सीएम ने ईमानदारी दे नाल सजा दवाउण तां असीं उहनां दे नाल आ। वख-वख विरोधी पार्टियां दे वल्लों रिएक्शन भी सामने आए ते नाल ही पंजाब दे विच कानून व्यवस्था दे मुद्दे ते भी मौजूदा मान सरकार नूं विरोधी धिरां ने घेरिया। भावें पंजाब सरकार ने लख कोशिश कीती है कि भ्रिष्टाचार दे दोष दे विचों अपने MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ, पैसा बरामद हो चुकिया सी, लेकिन उदे बावजूद भी विधायक नू बचान दा पूरी कोशिश हुई। BJP ते अन्य पार्टियां जिहड़ियां पोलिटिकल है उन्हां दा प्रेशर जदों बनिया और विशेष करके सोशल मीडिया दे उत्ते जिस प्रकार ट्रोल हुई है मान दी सरकार और इन्हां दा भ्रष्टाचारी चेहरा जिदा लोकां दे सामने आया, उदे प्रेशर च इन्हां ने गिरफ्तारी कीती है। पर मैनू लगता है कि गिरफ्तारी करन तो बाद ये भ्रष्टाचार दा जड़ा बिल्कुल साफ केस है, इहदे इहनू अंतिम सजा तक ये सरकार लैके जाएगी इहदे च शंका है, क्योंकि इन्हां दा इतिहास भ्रष्टाचार नू लैके लोकां दे सामने आ चुके है। इन्हां दे आका केजरीवाल साहब जिहनू चाहण भ्रष्टाचारी कह दिंदे ने और जिन्हू चाहन ओ ईमानदारी दा सर्टिफिकेट दे दिंदे ने। दस दे कि अमित रतन दी गिरफ्तारी तो बाद पंजाब दी सियासत भी काफी गर्मा गई। श्रोमणी अकाली दल दे आगू सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ट्वीट राही आप सरकार नू झाड़ पाई गई। उन्होंने कहा कि साडी पार्टी दे विच भी अमित रतन नू भ्रिष्टाचारी दी बीमारी सी, इसे गलों असी इस नू पार्टी तो बाहर कीता सी। उन्होंने कहा कि जेकर विजिलेंस दे कोल ऑडियो ते शिकायत करता दोवें विधायक दे खिलाफ नहीं तो उस खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, उस नूं क्यों पिछले रास्ते राही बाहर कढ़िया गया सी, क्यों उस दे बाहर जाण लई लाइटां बंद करवा दित्तियां गईआं सी। इह सियासी निशाने अकाली आगू वल्लों ट्वीट राही आप विधायक खिलाफ लाए गए ने। उत्थे ही पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों भी ट्वीट कीता गया कि रिश्वतखोरी भावें किसे ने भी किसे भी तरीके दे नाल कीती होवे बर्दाश्त नहीं कीती जावेगी। पंजाब दे लोकां दा विश्वास, प्यार अते उम्मीदां मेरा हौसला बुलंद रखदियां ने। लोकां दे टैक्स दा पैसा खाण वालियां ते कोई रहम जां तरस नहीं, कानून सब दे लई बराबर है।
कोई दिन पहला जदों कथित प्राइवेट पीए रिशम गर्ग ने बठिंडा के सर्किट हाउस विखे रिश्वत ली सी तां विधायक कोट फत्ता कार तो हेठा उतर के कुछ लोगों नाल गलबात कर रहे सी तां विजिलेंस ने एक कार्रवाई डीएसपी संदीप सिंह की अगवाई दे विच कीती। रिशम गर्ग ने गिरफ्तारी तो भजन की कोशिश की सी पर उसनू गिरफ्तार कर लिया गया, उसका रिमांड हासिल किया गया तो हुण विधायक नू भी गिरफ्तार कर लिया गया। बीती शाम बसी पठाना दे विच पुलिस अते गैंगस्टरां दे विचाले मुठभेड़ हुई सी अते तीन गैंगस्टरां नू पुलिस दे वल्लों ढेर कर दिता गया सी। हुण गैंगस्टरां दे परिवारक मैंबरां दे बयान भी सामने आए ने ते जिन्हां ने पुलिस अते साबका विधायकां दे उत्ते कई तरह दे सवाल खड़े कर दिते ने। बीती शाम जिला श्री फतेहगढ़ साहब अधीन पेंदे बसी पठाना दे बाजार दे विच शरेआम पुलिस बनाम गैंगस्टरां दी हुई क्रॉस फायरिंग दे दौरान मारे गए तीन गैंगस्टरां दे परिवारक मैंबर हुण सामने आए ने। परिवारक मैंबरां दे वल्लों जिथे विधायकां उत्ते पुलिस प्रशासन दे उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे ने, उत्थे कहा जा रहा है कि उन्हां दे नौजवान पुत्रां दे उत्ते झूठे परचे सन, उन्हां नूं गैंगस्टर बनाउण वाले खुद पुलिस वाले सियासतदान कमलदीप बाजवा दी हत्या दे मामले च लड़ींदा गैंगस्टर तेजा जो कि इस एनकाउंटर दे विच मारे है। उसकी माता दे वल्लों भी गलबात करदे आ पुलिस प्रशासन ते इल्जाम लगाए गए ने कि पुलिस वल्लों मेरे पुत्र ते झूठे परचे पाए गए ने, जेल च बंद हुंदे आ उसते कई परचे दर्ज कीते गए अते पुलिस वल्लों ही मेरे पुत्र नूं गैंगस्टर बनाया गया। की कुछ कहना है गैंगस्टर तेजा दी माता दा, आओ सुनते आ। गैंगस्टर तो सारे नूं बना दिंदे अज कल, सारा पंजाब गैंगस्टर तो बनाता वाए, उहदे विच मेरा भी होऊगा। इहनूं कचहरियां विच देख आई दी बला चोर, फिर इन्हें मैंने दस जी मेरी जवान तो होनी है, फिर जवान तो हो गई थी 40 नसी 20 सीगे, यही साढ़े बला चोर ने दस गए सी कि 20 सीगे सारे वे जड़ी बरी हुए सी, एक चलता सेगा जो चले आनी सेगा बस और कुछ ना सी। काउंटर दे विच मारे गए मनी सहौता उर्फ गैंगस्टर मनी राहों दे पिता अते भरा दे वल्लों भी नवांशहर तों विधायक अंगद सैणी दा नाम लैंदिआं उसते अपने भरा नूं जबरन गैंगस्टर अते धक्का करन दे इल्जाम लगाए गए ने। उन्हां वल्लों कहा गया कि साडा पुत्र ड्राइवर सी, उसदे उत्ते नजायज परचे कीते गए जिस तों बाद उसनूं इक गैंगस्टर दे रूप दे विच पेश कर दित्ता गया। होर की कुछ इल्जाम लगाए गए ने पिता अते भरा दे वल्लों, आओ ओह वी सुणदे आं। काम ड्राइवरी करता जी सर, वो 3 महीने हुई सी गल, उत्ते कोई गलत परचे सीगे झूठे रोहो शहर दे विच, एक आह मुंडे ने मेरा दात मारता सी गुंडिया ने। मेरा अंगद सिंह सैणी का सबका विधायक का हाथ सी इस पूरा जी, तो ये लाडी जिंदा 5 साल हो गए सर लड़ाई हुई सर, उन्होंने को नजायज 4-5 असले असी पुलिस को 3-4 बार दसिया कि इन्हों को असला इन्हों करो कुछ। सर मेरी कल गवाही सी 4 दिन पहला, मैंने एक इंटरनेशनल कॉल आई कहिंदे असी तैनू मार देना जे तू गवाही देन गया, मैं सर कल गवाही देन भी नहीं गया, मेरी जान सर खतरा आया, उन्होंने मैनू मार देना आ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ DSP ਗੁਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ AGTFT ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
जदों तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार सुर्खियां दे विच बनिया होया है। आम आदमी पार्टी के शासन दे विच जिथे एक पासे सरकारी अफसरां ते कर्मचारियों ते कारवाइयां होईयां ने, उत्थे वड्डे सियासी आगुआं नूं वी विजिलेंस ने अपने घेरे दे विच लिया है। इस लपेटे दे विच पहलियां सरकारां दे विच रहे मंत्री अते सियासी आगू भी आए ने। सरकार दे अपने तीन वड्डे आगू इन्हां इल्जामां च घिरे ने। सरकार दे इन्हां तीन विधायकां दे विच फौजा सिंह सरारी दा नाम भी शामिल है। फौजा सिंह सरारी ने इन्हां सारे इल्जामां नूं नकार दिता है। तो बड़ा क्लोज है जिन्हें ये आडियो बनाई सी। मैनूं कई बार कहा गया कि तुसीं कह दो कि मेरी आवाज़ नहीं है। जो अज मैं तुहाडे सामने बोल रहा तो इस ते आवाज़ तो मुकरिया नहीं जा सकता। ये सच्चाई है कि वह सच्ची मुची नहीं है, वह प्लांट की हुई सी गल, उस सच्चाई नहीं सी कि जिस तरह ट्रक यूनियन का मसला सी, वह ट्रक यूनियन दे विच उन्होंने कोई ट्रकों वाले फड़न की जो भी उत्थे चोरी चप्पा करते सीगे उन्हां दी गल हो रही सी, उन्होंने उत्थे गल की सी कि सौदा करना। तो मैं तो एक विधानकार होने के नाते भी जिही कोई गल नहीं सी, ना कोई मेरी मंशा है। जे तुसी आडियो सुनी है, मैं एक दो बारी आप खुद भी सुनी है भी उहदे च की है कि जदों गलबात हो रही सी उह किस तरह की सी। तां उहदे च इह हुंदा भी जिस तरह आपां किसे नूं तक्के नाल ही मनाउणा हुंदा उस पासे लै के जाणा हुंदा, कोई गलबात नहीं सी, उह सब झूठ दा पलंदा सी, उहनूं प्लांट कीता होया सी जी। जदों किसी ते कोई इल्जाम लगदा तो उहदी पुणछाण, उहदी वेरीफिकेशन, उहदी पड़ताल हो जांदी है जी। पर बदनाम करन वास्ते उह क्यों बोलदे ने इस तरह ज़्यादा कि उहनां दे अपने पाज खुल रहे ने, जिहड़े उन्होंने कपड़े किए, किसी ने कोई जे कोई नशियां दे सदागर सी, कोई बसां दे पैसे खा गया, कोई किधरों खा गया, वह जिहड़ा इन्हां ने कांड कीता वह हुण वापस देना पै रहा, वह बर्दाश्त नहीं हुंदा, फिर सानूं बदनाम करन ते लगे हुए ने। इन्हां सारे इल्जामां तों बाद फौजा सिंह सरारी कोलों वजारत जा चुकी है। सरारी जिस हल्के की नुमाइंदगी करते ने वह इलाका बॉर्डर के नज़दीक है ते पंजाब दे सब तो घट विकसित इलाकों दे विचों एक है। वजारत दे विच रहिंदिया शायद सरारी अपने हल्के दे लोकां दा ज़्यादा भला कर सकते सी। इल्जाम लगन तो बाद सरारी लई पार्टी दे अंदर अते बाहर चुनौतियां वधियां ने। इन्हां चुनौतियां तो पार सरारी किस तरह जाणगे ये देखण वाली गल होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने वालों किए वादियों तो वचनबद्ध पंजाब सरकार लगातार विकास कार्यों की शुरुआत कर रही है। इस तहत जलंधर दियां मंडियां दे विच खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दे वल्लों विकास कार्यों की शुरुआत की गई, जिस दौरान मंत्री धालीवाल ने दुआबे नूं सब तो खूबसूरत खेतर बनाउण की गल भी आखी है। कणक की फसल मंडियां दे विच आउण दे लई थोड़ा ही समा रह गया है। सूबा सरकार वालों फसल की उचित खरीद दे लई प्रबंध भी शुरू कर दिए गए हैं। जलंधर दियां मंडियां दे विच विकास कामों बारे जानकारी देने लई कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीडिया नूं संबोधन किया। मीडिया दे विच विकास दे इन्हां कामों दे विच शैड दा काम, सड़क निर्माण दा काम अते टॉयलेट्स दे निर्माण दा काम शामिल है। और असी मतलब तय किया कि किसान जिहड़ा चाहे सब्जी बीजदा, कणक बीजदा, झोना बीजदा, कुछ भी बीजदा, वो मंडी करन वास्ते मंडी दे विच आउंदा। इस करके मंडियां जिहड़ियां इन्हां दे विच शैड बनाए जाण, चार दीवारियां कीतीआं जाण, इन्हां मंडियां नूं अज दे युग दे हाण दीआं मंडियां जिहड़ियां बनाया जावे, और इन्हां मंडियां दे नाल जिहड़ियां लिंक सड़कां जुड़दियां उन्हां दी जिहड़ी मुरम्मत होण वाली है वह करवाई जावे। कैबिनेट मीटिंग दे विच सरकार वालों लै गए फैसलों की तारीफ करदिआं मंत्री धालीवाल ने सीएम मान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वड्डे पद्धर ते कच्चे मुलाजम पक्के करन की भी तैयारी की जा रही है। इस मौके उन्होंने दुआबे विच पंजाब का सब तो खूबसूरत खेतर बनाउण की गल भी आखी है। सो बस मैं तुहानूं कहना है कि साडी सरकार असी दुआबे नूं एक बहुत खूबसूरत ते वधिया एरिया बनाउणा चाहुंदे हां, क्योंकि सब तो ज़्यादा इन्हां दा ही वीर दबाबे तो बाहरले देशों गए, और दबाबे दे विच जिहड़ा तरक्की हुई हुण तक पूरे हुण तक पंजाब च ही है, पर दबाबे ने जिहड़ी तरक्की की उहदे च इन्हां दा ही वीरां दा बहुत वड्डा सहयोग है। सो असी दबाबे की विकास पक्षों जिहड़ी कायाकल्प उह करना चाहुंदे उहदे वास्ते मैं अज्ज मामले तो भजन दे इल्जाम लगाए ने। पटियाला पहुंचे इस मौके ते एडवोकेट तामी ने होर की कुछ किया, आओ सुनते हैं।
एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पटियाला पहुंचे जिथे उन्होंने पंथ के अहम मुद्दों बारे मीडिया के नाल गलबात की है। संबोधन करदे प्रधान धामी ने कहा कि पंजाब के लोग जानते हैं कि बंदी सिंघा के मुद्दे पर सियासत कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के भी उन्होंने वालों बंदी सिंघा की रिहाई के लिए पटीशन पाई गई सी। जिहड़े बंदी सिंह साढ़े सूरमे उन्हों की रिहाई वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी लगातार लंबे समय तो ये जदोजहद कर रही है। 2014 तो मैं आप उस डेपुटेशन दे विच सी जिहड़ी भाई बलवान सिंह जी राजोवान भाई दविंदर पाल सिंह जी भुल्लर उन्हों की पटीशन असी मारसी पटीशन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को पा के आए थे। हुण जद दा मैं पहला जनरल सकत्तर सी फिर मुख सकत्तर सी पिछले साल सेवादार बनाया तद तो असी लगातार ये मुहिम जिहड़ी बंदी सिंघां दी कितें काले चोले पा के कदे मैमोरेंडम के रूप धरने दे के ते रोस मार्च कढ के असी बड़बड़े सरकार नूं सचेत किया पर सरकार जाग नहीं रही अपनी नींद। बंदी सिंघां दी रिहाई दे मामले दे विच सिख जथेबंदियां अते आगुआं वल्लों एक दूजे नूं सवालां दे घेरे दे विच लिया जा रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चे दे पिछे सियासी पार्टियां दे समर्थन दे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। मोर्चे दे आगुआं वल्लों भी अजिहे इल्जाम लगाउण वालियां दा घेराओ कीता जा रहा है। एसजीपीसी अते श्रोमणी अकाली दल वल्लों बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई कीते अपने ही कम्मां दी तारीफ कीती जा रही है। धामी वल्लों इस मौके केंद्र सरकार नूं सवालां दे घेरे दे विच लिया गया है। फील्ड होंगे आ कहना कुछ हों करनी कुछ होंगी पर लोग देखते हैं कि बंदा सियासत कर रहा की नहीं कर रहा। तो मैं यदा भी थोनों निम्रता सहित बेनती करदा कि 2014 के तद कोई सियासत नहीं सी। तद मैं आप पटीशन पा गया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के कोल उदों ही राजोवाणे का जो अकाल तख्त के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह सके सारा पंजाब उदों फिर काले झंडिया ना रंगिया रंगया गया सगा। ये पिछे कोई सियासत नहीं केवल तो केवल मनोरथ वो जोड़े सूरमे जोड़े साढ़े जेलों बैठे आ उन्होंने बहर करवाद। बंदी सिंघा के मुद्दे पर हूँ खूब सियासत हो रही है। सियासी पार्टियां वालों केंद्र से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। केंद्र के मंत्री कह रहे हैं कि सानू लिस्ट नहीं भेजी गई। एसजीपीसी के प्रधान कह रहे हैं कि असी लिस्ट भेजी सी ते केंद्र रिहाई के मुद्दे तो टाला वट रहा है। एक पासे मोर्चा भी चल रहा है सब कुछ हो रहा है जे कुछ नहीं हो रहा तो बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं हो रही। अगली खबर मोगा के पिंड जोगोवाल तो सामने आई है जिथे पिंड जोगेवाल दे विच हो रही सोसायटी दीयां चोणां नूं लैके विवाद हो गया अते नाराज़ होए पिंड दगड़ू का सरपंच सुखजिंदर सिंह पेट्रोल की बोतल लैके टैंकी दे उत्ते चढ़ गया। तो पूरा मामला की है रिपोर्ट देखते हैं। मोगा के पिंड जोगेवाला विखे हो रही सोसायटी चोणां तो पहला स्थिति उस वेले तनावपूर्ण हो गई जदों नाराज़ हो गए डगरू पिंड का सरपंच पेट्रोल वाली बोतल लैके टैंकी ते चढ़ गया। दरअसल पिंड जोगेवाल के नेड़ले तीन पिंडां दी बनी सांझी कोऑपरेटिव सोसायटी दीआं चोणां होणियां सी पर इस तो पहला ही सोसायटी दे विच डगरू पिंड के सरपंच सुखजिंदर सिंह ने चरणजीत सिंह ए आर के उपर सोसायटी तो बाहर कढ़न दे इल्जाम लगा दिते। मैं भाई सरकार तो बहुत दुखी हाँ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਮੰਦਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆਏ ਯਾਰ ਨੇ ਜੈਸੇ ਚੁਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਈ इस तो बाद इस सारे मामले तो बाद गुस्से विच आया डगरू पिंड का सरपंच पेट्रोल वाली बोतल लैके पिंड जोगेवाल दी पानी दी टैंकी ते चढ़ गया जिस तो बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। फिलहाल सरपंच नूं टैंकी तो हेठां उतार लिया गया है। सरपंच दे समर्थकां वल्लों टैंकी तो उतारन तो बाद इस मामले दे विच प्रदर्शन किया गया अते धरना लगा के इंसाफ की मंग भी की गई है। ए आर ने मोड़िया नाले दबके मार दे एस एच ने भी कहा भी धक्के मार के बाहर कड़े यार कहिंदा की कारण भी ये रह नहीं सकता इत्थे साइड दी वोट है नहीं कने कारण की समझदा वोट है नहीं की तुहाडी नहीं मेरी वोट है नहीं जी सरपंच है मैं सरपंच करके सपोर्ट ना आया मैं आपके पिंड दे नाल भी सही बंदे बन जिहड़े किसान आ ओह बन पार्टी बाई तो उपर उठ के बन
दूजे पासे सारे मामले बाबत जो रिटर्निंग अफसर चरणजीत सिंह एआर नू पुछया गया तो उन्होंने इल्जाम लगाए ने कि सरपंच अते उसके समर्थकों वालों हुल्लड़बाजी की गई है। रिटर्निंग अफसर ने उस उपर लगे सारे इल्जाम नू नकार दिता है। उन्होंने कहा कि पिंड वासियों ने उन्होंने फार्म ना देने दे झूठे इल्जाम लगाए ने। उन्होंने यह भी दसिया कि पिंड वालों सर्वसहमति दे नाल मैंबरां दी चोण नहीं की गई, इस कारण हुण वोटां पैणगियां। असीं जिहड़ा क्योंकि डगरू दे टोटल आ गए ने 10 जोन नंबर 3 है डगरू 10 जिहड़े इहदे अपने उम्मीदवारां दे नाम आ गए ने, तो इस करके जे तां 5 उम्मीदवार ही हुंदे तो यह सर्वसम्मति हो जाती, जिमें कि जोगे वाला कान सिंह वाला है उत्थे 3-3 सी, 3-3 ही आए तो सर्वसम्मति होगी। इतने क्योंकि 5 तो ज़्यादा ने, जे 6 आ गए तो इलैक्शन होगा, इस करके 10 ने तो इतने प्रोपर इलैक्शन होगा। असी इलैक्शन का आपका जो अडोप्ट है साडा मानयोग रजिस्ट्रार साहब हदायतों मुताबक असी अपना प्रोसीजर चला रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस मुताबक ही सारा काम साडा हो रहा है। पिछलियां सरकारां दे दौर दे विच भी यह वर्तारा देखण नूं मिलिया है कि कोऑपरेटिव सोसायटी दे विच सियासी पार्टियां दी दखल अंदाजी हुंदी है, ते किते ना किते मौजूदा सरकार नाल संबंधित लोकां नूं इन्हां वोटां दे विच लाहा भी मिलदा है। हुण देखणा यह होवेगा कि पिंड वासियां दे इल्जामां तों बाद उन्हां नूं इंसाफ मिलदा है कि नहीं मिलदा। अगली खबर नवांशहर के पिंड ओड़ तो है, जिथे हाकी का टूरनामेंट करवाया जा रहा है और महाराणा प्रताप टीम के वलों जित हासिल की गई है, जिन्हों के वलों पंजाब सरकार तो मांग की गई है कि हाकी के खिलाड़ियों खास तौर पर विशेष सहूलत जड़िया ने मुहैया करवाइया जा। पंजाब के पिंड ग्राउंडा के क्रिकेट से कबड्डी का माहौल पूरे जोबन से है। इस हूँ पिंड पद्धर से हाकी की खेड भी किते किते मुड़ सुरजीत हुंदी हुई नजर आ रही है। जिला नवांशहर के पिंड औड़ दे विच 46वां हामी ऑल ओपन टूरनामेंट करवाया गया। इस टूरनामेंट दे विच वड्डी गिणती दे विच वख-वख टीमां ने हिस्सा लिया। टूरनामेंट दे विच हुशियारपुर की नामी महाराणा प्रताप टीम वालों भी भाग लिया गया, जो कि इस टूरनामेंट दे विच जेतू रही। ये भाजी टूरनामेंट नवांशहर दे कोल पिंड पैंदा औड़, ये ऑल ओवर इंडिया का बहुत वधिया टूरनामेंट आ, तो ये अं ऐतकी दूजी बारी पार्टीसपेट किया, पिछली बारी अं सैमीफाइनल लूज कर गए सी, तो इस बारी अं जो उतो फाइनल जित के लियाए हैं। नियर अबाउट भाजी 10 to 12 साल हो गए लगातार जी अकैडमी अं इतने चला रहे हैं, ये 100 तो वध बच्चा जिहड़ा इत्थे खेडदा आ। हाकी ग्राउंड दे विच इकट्ठी हुई टीम का कोच रणजीत सिंह राणा वालों सन्मान करदिया होया खिडारियों नूं होर भी सख्त मेहनत के लिए प्रेरणा दी गई। गलबात के दौरान कोच रणजीत सिंह राणा ने दसिया कि हाकी की खेड नूं समय दियां सरकारां वालों विसार दिता गया है, जिस कारण हाकी का नामो निशान पंजाब दे विचों खत्म होण दे किनारे ते आ गया है। उन्होंने दसिया कि महाराणा प्रताप हाकी अकैडमी वालों होर बहुत सारे मुकाबलों दे विच ए टीम भाग लै चुकी है, पर अज तक ना तो किसी सरकार ने अते ना ही प्रशासन ने उन्होंने कोई मदद की है। उन्होंने दसिया कि वह अपने पद्धर से ही हाकी नू प्रमोट करन दे लई जद्दोजहद कर रहे ने। ये साड़ी समझ तो बाहर आ जी, पता नहीं की गल हैगी सरकारां दी, क्यों जबकि सब तो वधिया जिहड़े हैगा शरीरक तौर दे उते एक्सरसाइज भी इस गेम दे विच मिलदी हैगी, फिटनेस मिलदी हैगी बच्चों नू। अगे बच्चे भाजी खेडदे हुंदे सीगे उपर लैवल जांदे जॉब्स मिलदियां सीगियां उन्हां नू, सरकारी डिपार्टमेंटा दे विच जॉब्स मिलदियां सीगियां, उह भी सरकार देणियां घट करदियां हन। पंजाब विच कबड्डी दा पूरा जोर है, क्रिकेट लई भी नौजवानां दे विच वड्डा क्रेज देखण नू मिल रहा है, पर हाकी लई सरकारां अते NRI पंजाबी प्रमोटर अवेसले ने। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।